पाकिस्तान में हों या फिर पाकिस्तान से बाहर के जो परदेसी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, उन सब को अल्लाह खुश रखे, खुशोखुर्रम रखे, खुशआबाद रखे। और हाथ में मैंने मग है क्योंकि अभी ना दोपहर का टाइम हो गया है और मैं बकरी धोने जा रही थी, तो मैंने कहा सचिन क्यों ना मैं भी व्लॉग आपके साथ शेयर कर लूँ जल्दी जल्दी। तो वो मैं जा रही हूँ बकरी का दूध धोने, और चले मेरे साथ आप लोग, मैं दिखाती हूँ बकरी मैंने छाँव में बांधी है, अभी मैं जल्दी से दूध धो लूँगी। ये हमारी बकरी है जिसका दूध होना है, वो देखें जी, एक मिनट मैं जूम कर दूँ, ये देखें जी इतनी ये प्यारी बकरियां हैं ना, मेरा बड़ा दिल करता है ऐसी बकरियों को। ये ना बड़ा छम छम करके चलती हैं, क्या नाम होता है इनका भला, इन बकरी का क्या नाम है जड़ी जो छम छम करके चलती हैं? नौची, हमारे में ये नौची बोलते हैं, नौची बकरियाँ, बहुत खूबसूरत बकरियाँ ये वाली। हाँ काफी ऊंची बड़ी जैसे बरबानी बकरियां होती है ना वैसी है, और ये उठती है होन वो भी देसी है। राजला राजला तो पीछे हो जा, नहीं ना डराई हो, पीछे हो जा, ऐसे भागेगी नहीं ना, सही है भागेगी तो पकड़ लूंगी। इस बकरी का मेमना इतना प्यारा था ना, बेचारा मर गया, जिसकी वजह से हम इसका बकरी का दूध धो लेते हैं, दोपहर को चाय वगैरह बना लेते हैं। Mm-hmm.
ये देखें जी, ये देखें चाय बकरी के दूध की इतनी टेस्टी बनती है ना, जो बंदा नहीं भी पीता ना वो भी पिएगा। जैसे कि मैं नहीं पीती फिर भी मैं पीती हूँ। हाँ जी जी, जिसने चाय पीनी है बकरी के दूध की।